मैं अभी पानीपत क्रॉस करके करनाल आने वाला हूँ। करनाल जिस यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, ये एक मेन हाईवे है NH1 जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से कम से कम करनाल 6 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। आज जो मैंने जर्नी अभी तक 2 बजे सुबह में चला था, 4 बजे मैं मोरसल पहुँचा, 6 बजे मैंने पानीपत क्रॉस किया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आलू इसके उसके बाद मैंने अपनी ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट कंटिन्यू रखी है। सुबह के 7 बज रहे हैं, मैंने पानीपत क्रॉस कर लिया है। यहाँ से करनाल की तरफ जा रहा हूँ। 4 घंटे के अंदर मैंने अराउंड 100 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ। 100 किलोमीटर्स और बाकी उसके आगे की जर्नी फिर लुधियाना तक इस अबाउट 100 किलोमीटर हो। पूरे दिन मेरे को 320 किलोमीटर साइकिल चलानी है। अब ये रास्ता देख सकते हैं, विंटर्स का महीना है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है। टुडे इज़ 1st of November, सुबह के 7 बजे हुए हैं। सुबह के 11 बजे में एंड मैंने 150+ डिस्टेंस कवर कर लिया, 150 किलोमीटर+ डिस्टेंस कवर कर लिया। 200 किलोमीटर में आपका अम्बाला आता था, अम्बाला जिस यहाँ से 40 किलोमीटर्स है लुधियाना साइड। मुझे लगता है लुधियाना साइड थोड़ा सा दूर पड़ेगा मेरे को, लेकिन इससे अभी दिन के 2 बजे हुए। अब मैं जल्दी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अम्बाले से, तो लेट होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज जो मैंने पहला ट्रिप किया था मैं राजपुरा रुका था, राजपुरा इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम अम्बाला। तो आज देखते हैं आज कहाँ पे रुकते हैं। आज का दिन मैंने जिस तरीके से गुजर जाता वैसा नहीं हुआ, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं एंड मैंने अभी जो डिस्टेंस कवर किया है मैंने 230 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ। 14 घंटे हो चुके हैं साइकिल करते करते। मैं अभी होटल जस्ट में मैं जहाँ पे मैं 2016 में जब मैंने लिया था मैंने ट्रैक की थी जिस जर्नल को रात के 8:30 उसी होटल पर स्टे कर रहा हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करना है बिकॉज कल भी मेरे को 200 किलोमीटर तो मेरे को कवर करना है। एंड 1st of November 2017 फर्स्ट आई एम टायर्ड, आई विल गेट बैक टू यू। सेकेंड ऑफ नवंबर है और सुबह के 6:30 बजे मैं अभी खन्ना गांव क्रॉस कर रहा हूँ। सुबह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 4:30 बजे जो कि राजपुरा से 7-8 किलोमीटर आगे होटल जस्ट में मैंने स्टार्ट किया था। अभी तक मैंने 35-40 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। अभी 12 बजने वाले हैं एंड मैं जलंधर के ऑलमोस्ट करीब हूँ। जलंधर यहाँ से अब 18 किलोमीटर दूर है, जलंधर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। जल्दी से जल्दी मैं जलंधर कवर करता हूँ, फिर आई टेक सम रेस्ट, तब सुबह बहुत मैं खाना खा लूँगा क्योंकि सुबह से बस मैंने पराठा खाया हुआ है। उसके बाद मैंने आगे की ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट रखनी है। शाम तक देखते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। आज भी ट्राइंग पठानकोट तक, लेकिन पठानकोट वहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, तो जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो पाएगा उतने मैं करने की कोशिश करूँगा। थक सा गया, बस एक बार जलंधर क्रॉस कर लेते फिर उसके बाद रेस्ट करता हूँ। जम्मू वाले रास्ते में और यहाँ से 80 या 90 किलोमीटर आपका पठानकोट है। मैंने जलंधर सिटी जलंधर क्रॉस करके अभी मैं 20 किलोमीटर 15 या 20 किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ।
किसी से मेरी बात हुई थी, किसी ने मेरे को बताया यहाँ से आपका 40-50 किलोमीटर में आपका दसवा आएगा, दसवा के बाद मुंगेरिया आते हैं, मुंगेरिया में मेरे को होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, कहाँ पर जाके मैं रुकता हूँ तो देखते हैं। कैसे हैं सब लोग? शाम के 4:10 हुए हैं। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द टाइमिंग। इस 2nd of November 2017 4:10 हुए हैं। मैंने जलंधर कप की क्रॉस कर लिया है। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स पठानकोट एंड देखते हैं क्या चीज़ होती है। होप फॉर द बेस्ट। किसी ने मेरे को बताया कि दसवा में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा, दसवा है मुकेरिया, दसवा यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है, मुकेरिया 30 किलोमीटर। सो एक घंटे के अंदर कैसे ना कैसे मेरे को डिस्टेंस कवर करना है, मेरे को दसवा पहुँचना है, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। सुबह 4:30 से मैंने स्टार्ट किया था एंड अभी ऑलरेडी 6:30 हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एक खुड्डा है, ये देखिए शाम का समय हो चुका है, 6:30। अभी तक मैंने जो डेस्टिनेशंस कवर की हैं, जैसे मैं जलंधर से मैंने पठानकोट जम्मू के लिए टर्न लिया था, तो उसके बाद काला बकरा रेलवे स्टेशन काला बकरा आया था, काला बकरा के बाद भोगपुर आया, भोगपुर के बाद आपका चोलांग आया, चोलांग के बाद आपका टांडा आया, टांडा के बाद आपका खुड्डा आया है। हेलो एवरीवन, अभी 2nd of November 2017 है, टाइम मैं आपको बताता हूँ, टाइम है 7:45 इन द इवनिंग। आज मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है, आज मैं सुबह 3 बजे उठ चुका था, 3 बजे उठने के बाद मैंने होटल जस्ट से चेकआउट किया था, 4:30 से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। बाकी आज का दिन बहुत एक्साइटेड था, बहुत अच्छा था, लेकिन खाने पीने के मामले में अच्छा नहीं था, क्योंकि कुछ मेरे को अच्छा मिला नहीं खाने के लिए। कल जो मेरे को डिस्टेंस करना 160 किलोमीटर, कल दिन तक मैं जम्मू पहुंच जाऊंगा एंड टुमारो आई विल बी स्टेइंग इन जम्मू। फिर जम्मू के बाद परसों, कल मेरा बहुत ईजी डे है, फिर उसके बाद आई विल टेक रेस्ट, फिर परसों मैं चेकआउट करके अपनी ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट करूँगा जम्मू से पठानकोट, पठानकोट से अमृतसर। परसों इवनिंग को कैसे भी करके मेरे को अमृतसर पहुँचना है। हाँ भी ये देखिए, ये मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं एंड ये यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, मैं मूवी देख रहा हूँ रमैया वस्तविया। अब थोड़ी देर में, और ये ब्लैक बॉक्स मेरी डायरी है, जिस डायरी में मैं अपनी डिटेल्स लिख रहा हूँ, सारे के सारे ट्रिप के डिटेल्स की, हाउ वाज द ट्रिप। देखिए, गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि, चलिए बाय बाय। आज 3rd November है, मैंने अपनी ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी सुबह के 5 बजे हुए। मैं अभी पहुंचा हूँ ऊंची बस्सी, जो कि यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर है, दसवा से मैंने स्टार्ट किया था, सुबह के 5 बजे हुए हैं। ठंड का आलम बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और फिर से आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी, ये तो ऊंची बस्सी मिलिट्री कैंट एरिया है जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत लाइट्स है, लेकिन पीछे जो एरिया आया था वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट्स नहीं थी, मतलब आप देख ही नहीं सकते, और ऊपर से धुंध इतनी है, फॉग इतना है, दैट विजिबिलिटी इज़ ज़ीरो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पीछे से गाड़ी आ रही है, उनके सपोर्ट से मैं चल रहा हूँ, बस देखिए कैसे करके अपना रास्ता कवर करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कितनी विजिबिलिटी है, ये देखिए। हेलो वेदर, आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, मेरा गोप्रो कितना इफेक्टिव है, लेकिन इस सुबह के 5 बजे का शवा है, 5-5:30 बजे के बीच का, और मैं निकल चुका हूँ अपने पड़ाव के लिए। ये देखिए किस तरीके से कितना फॉग है, अभी मैं आगे जाऊंगा तो आगे कोई भी लाइट्स नहीं मिलेंगी, कुछ भी लाइट्स नहीं, पूरा अंधेरा कवर कर रहे, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है।
ये देखिए ये पीछे से लाइट आई तब जाके थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ। बाकी मेरे पास खुद के पास लाइट है, ये मेरी साइकिल की लाइट है जिससे मैं वाइट लाइनिंग को फॉलो करते करते जा रहा हूँ। ये एक ये देखिए कितनी कम है यहाँ पे विजिबिलिटी ना के रॉबर। भैया मुकेरिया कितना दूर है? हैं? मुकेरिया 112 किलोमीटर। मुकेरिया 12 किलोमीटर। अच्छा 12। हेलो, छः बजे पे हैं लोग, सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले हैं। ये है पंजाब। अभी तो रास्ता फिर भी विजिबिलिटी बहुत सही हो गई है, रास्ता क्लियर है। वरना रात के टाइम में जब मैं निकला था, रात के टाइम में तो नहीं, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे, तब यहाँ से पास तक का रास्ता नहीं दिख रहा था। इवन मेरे पास फ्लैश लाइट थी, फ्लैश लाइट से भी नहीं दिख रहा था। हेलो, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं अभी पठानकोट पहुंचने वाला हूं। पठानकोट 4 किलोमीटर दूर है। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि मैं दसवा से जब निकलूँगा, दसवा से पठानकोट था 55 किलोमीटर, तो मैं पठानकोट क्रॉस करने के बाद ही खाऊंगा। बस 4 किलोमीटर रह गया है और मेरे को बहुत गंदी भूख लगी है, बहुत खाना खाना है। खाने की अहमियत आपको, मुझे जब कोई प्यासा होता है उसको पानी की अहमियत पता लगती है, जब कोई भूखा होता है उसको खाने की अहमियत पता लगती है। सच में कभी आपको अपने आप को चैलेंज करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि इसकी चीज़ की अहमियत क्या है। ये आप आसपास का एरिया देख सकते हैं, ये अब मैं पठानकोट एंटर करने वाला हूँ और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पठानकोट है। मैं पठानकोट पहुँच गया हूँ, ये एयरपोर्ट स्टेशन है पठानकोट का। पठानकोट से मेरा बहुत पुराना नाता है, पठानकोट 6 साल रहे हम यहाँ पे रहे हुए हैं। बहुत अपनी सी जगह रखती है। फाइनली मैं पठानकोट पहुँचा हूँ, 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बहुत गंदी भूख लगी थी जब पठानकोट से 10 किलोमीटर दूर था, तब से मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, मैं कहीं भी गिर सकता था। लेकिन अब ये पराठे का साइज़ देखिए, अभी खाते अच्छा लगता है, चाहिए बढ़िया। हेलो, वेलकम बैक। यहाँ से जम्मू कश्मीर की सीमा स्टार्ट हो चुकी है, ये है लखनपुर। मैंने पठानकोट क्रॉस किया, पठानकोट के बाद आया आपका सुजानपुर जो कि एंड था, फिर उसके बाद माधोपुर, माधोपुर के बाद ये टोल ब्रिज आया लखनपुर का। पीछे ट्रक वालों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब मैं लखनपुर क्रॉस कर लिया, यहाँ से आपका जे एन के पुलिस का जे एन के स्टेट का एरिया शुरू हो जाता है। उदयपुर 145। अब मैं जे एन के में दाखिल हो चुका हूँ। लखनऊ क्रॉस किया है, अभी जिस जगह में गया हूँ वो कठुआ है और अभी जो टाइम वर्क है अभी 11:30-12 बजे। सुबह से मैं चला हूँ 5:30 बजे से, अभी मैंने अच्छे खाते रास्ता कवर कर लिया है। आज मैंने कहीं तो ज़्यादा तो कवर नहीं किया, लेकिन सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। फाइनली मेरे को टाइम मिला पठानकोट पहुँचने के लिए। मैंने अपने आप को चालू किया था कि मैं एक बार पठानकोट पहुँचूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा। पठानकोट जैसे मैं पहुँचा वैसे मैंने 2 बड़े पराठे खा लिए चाय के साथ, जो कि बहुत हैवी थे। उसके बाद मेरे को अभी ऐसी नींद आ रही है, इतनी थकान सी हो रही है। अभी यहाँ से कम मेरे को 85 किलोमीटर और कवर करना है। अभी जे एन के में जैसे एंटर हुआ था लखनपुर का, कठुआ है बैक साइड में, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कठुआ है जो यहाँ का मेन हॉस्पिटल है। सामने डिफेंस की कठुआ टेरिस करके डिफेंस की पूरी पूरी यूनिट है। अभी आगे तक की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, देखते कितने टाइम तक मैं उसको कवर करता हूँ। फाइनली थोड़ा बहुत रेस्ट लेके देन आई विल स्टार्ट माई जर्नी, फिर उसके आगे देखते कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो शाम के 3 बज चुके हैं,
मैं सांबा पहुंचने वाला हूं। सांबा यहां से 7 किलोमीटर दूर है, अभी जडवाल है, जडवाल गांव का नाम है, वो आने वाला है। मैंने अभी तक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग माते के वहां जाते हुए देखे, क्योंकि कटरा यहां से बस जम्मू जैसे 40 किलोमीटर है, तो कटरा यहां से 60 किलोमीटर है, 60 या 70 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, 30-40 किलोमीटर का। स्टॉल इज़ गुड। मैं पानी पीते जा रहा हूँ, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, सो अपने को हाइड्रेटेड रखने के लिए मैं पानी पी रहा हूँ। गर्मी भी अभी बहुत है, आपसे एक तरह से आई एम ऑल स्वेटिंग। ये स्वेट मैंने इसलिए नहीं उतारी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बाकी सारा वीडियो मैंने अभी तक कुछ ऐसे बनाया नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जटवाल है, जटवाल देख लीजिए। जल्दी से जल्दी ये रास्ता कवर करते हैं, मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। जैसे मैंने जम्मू कश्मीर स्टेट में कवर किया था तो मेरे को पता नहीं था कि प्रीपेड चलना बंद है, दोनों प्रीपेड से नेटवर्क गायब हो चुके हैं। एंड मैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, करण दर में इन्फॉर्म करने के लिए, प्रशांत को इन्फॉर्म करने के लिए, सब लोग को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करने के लिए एसटीडी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एसटीडी मेरे को अभी तक कहीं नहीं निकली बस। लेकिन 6 किलोमीटर का अभी यहाँ पर सांबा आ जाएगा, सांबा में ऑलवेज आएंगे, सांबा में कोई एसटीडी मिल जाए, नहीं तो फिर जम्मू जाके ही मेरे को देखना पड़ेगा। ये सारे सारे आर्मी के ट्रक्स हैं। जम्मू का एरिया है, गंगयाल है, तो अभी ऑलमोस्ट जम्मू में पहुँचे हैं, जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, शाम के 6 बजने वाले हैं और अब फाइनली जाके मैं जम्मू पहुँचा हूँ। आज मैंने डिस्टेंस कम कवर किया, अब मैं रेस्ट करूँगा, कल सुबह मेरे को निकलना है एंड कल मैं देखता हूँ कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप पॉल्यूशन कितना है यहाँ पर। यहाँ से जम्मू 4, ये है कैंटोनमेंट, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, पूरा कैंटोनमेंट का एरिया है। आईडी जम्मू है आपके राइट हैंड साइड में, और जम्मू जो मेन जम्मू आप ले जाएंगे वो है 4 किलोमीटर दूर, कटरा यहाँ से 49 किलोमीटर दूर है एंड श्रीनगर है 298 किलोमीटर। ये देखिए जम्मू कैंटोनमेंट वाला एरिया है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। बाकी ट्रैफिक देखिए आप, ट्रैफिक पॉल्यूशन ये जम्मू का एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी से कितना पोल्यूशन आ रहा है और किस तरीके से पोल्यूशन यहाँ पे फैला हुआ है, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत कंजेस्टेड है। वेलकम टू जम्मू। आज हम पहुंचे हैं जम्मू, 5:30-6 बजे के करीब में पहुंचा था जम्मू। जैसे मैंने जम्मू एंटर किया, सबसे पहले मेरे को वो चीज़ याद आई जब हम पहले आया करते थे, सबसे पहले वो सर्किल आता है जहाँ से आपका रास्ता श्रीनगर कटरा के लिए कटता है। बहुत पॉल्यूशन और बहुत ट्रैफिक, दुनिया भर का ट्रैफिक। धीरे धीरे लोगों को क्या होते जा रहा है मेरे को खुद को नहीं पता, बिकॉज आई हेट लाइक मैंने कल लुधियाना देखा था, लुधियाना के बाद मेरे व्यू चेंज हुए, आज मैंने जम्मू को देखा इवनिंग में इतना ज़्यादा ट्रैफिक, और ऊपर से दिल्ली में तो मैं रहता हूँ, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, कितना ट्रैफिक है, इतना फॉगी है नहीं जितना इन्होंने पॉल्यूशन की वजह से हो चुका है, तो पॉल्यूशन है उसमें। मैंने जो डिस्टेंस कवर किया था आज मैंने डिस्टेंस किया है अराउंड 170-180 किलोमीटर्स। मैंने दिल्ली से जम्मू, जम्मू से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली सोचा है, दिल्ली से जम्मू मैंने कर लिया है, अब कल मेरे को कवर करना है दिल्ली से अमृतसर और ये टीवी है, ये है मेरा बैग। बाकी दोस्तों कल देखते हैं कल कहाँ पे हम मैं स्टे करता हूँ, बाकी आई विल गेट बैक टू यू विद द लेटेस्ट अपडेट्स। आज का दिन बहुत अच्छा था, फाइनली एक पड़ाव खत्म हो चुका है मेरा 3rd डे में। आई विल ट्राई टू लर्न बेस्ट कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करूँ, फिर उसके बाद तो फिर आगे और भी काफ़ी चीज़ें करनी है, रेस्ट
यू टेक केयर, गुड नाइट। आज के दिन का बस इतना ही। चलिए 8 बज चुका है, 8:30 बजे के करीब मैं भी सो जाऊँगा। यू टेक केयर। दोस्तों आज 4 नवंबर है, सुबह के 5 बजे हुए हैं। मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। ये देखिए सारा का सारा जम्मू है। ये है जीबी पंत ग्रैंड जनरल हॉस्पिटल जम्मू कैंटोनमेंट। थोड़ा रास्ता मैंने कवर कर लिया है। होटल यहाँ से मेरा थोड़ी दूरी पे है। अभी आप देखेंगे तो आगे राइट हैंड साइड में दिल्ली कैंटोनमेंट, वो जम्मू कैंटोनमेंट वाला एरिया आता है। एंड रेस्टोरेंट इज गुड। जर्नी कंटिन्यू कर दी है मैंने। जल्दी से जल्दी अमृतसर पहुँचना है, कोशिश जारी रहेगी। देखिए कब तक पहुँचते हैं। बाकी रेस्ट ऑल इज़ गुड। यहाँ से एयरपोर्ट 1 किलोमीटर है, जम्मू एयरपोर्ट। कठुआ है आपका 82 किलोमीटर, पठानकोट 101 किलोमीटर। हेलो, सारे साइकिलिस्ट थे जो कि चेयर अप करते करते यहाँ से निकले हैं। काफ़ी लोग ज्वाइन करेंगे। एंड रेस्ट ऑल इज़ गुड। अभी तक मैंने कम से कम 25 to 30 किलोमीटर्स कवर कर दिया। रेस्ट आई हैव टू कवर डिस्टेंस। टाइम है सुबह 6:30 बजे हुए हैं सुबह के। एंड मैंने विजयपुरा क्रॉस कर दिया। अभी सामा आने वाला है, मैं सामा की तरफ को जा रहा हूँ। चलिए सांबा और विजयपुर के बीच में आता है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांबा ख़त्म होता है। अभी आप देख सकते हैं धुंसी है, फॉगी है थोड़ा बहुत मौसम। ये मेरी गाड़ी, गाड़ियाँ जो आ रही हैं। दोस्तों जल्दी चलते हैं, अब आगे की जर्नी कवर करते हैं। चले सर। अच्छा, जम्मू साइकिलिस्ट ग्रुप मेरे को मिला है और उनके साथ मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी है। मैं भी अमृतसर जा रहा हूँ, ये लोग भी अमृतसर जा रहे हैं। देखिए कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से लखनपुर है 2 किलोमीटर, फिर आपका पंजाब स्टार्ट हो जाएगा। पठानकोट जो मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर रुक के मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, दैट इज़ 18 किलोमीटर। बाकी दोस्तों थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। वो देखिए ट्रेन जा रही है, पूरे को पूरा पूरी पूरी ट्रेन मैंने फर्स्ट टाइम कवर की है। बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा। ये पूरे का पूरा डैम है, डैम देख सकते हैं। वो देखिए ट्रेन अभी भी जा रही है। मैं फाइनली पंजाब में एंटर कर चुका हूँ। अब यहाँ से पठानकोट 16 किलोमीटर है, लखनपुर बॉर्डर मैंने ख़त्म कर दिया। आ,
4th of November है, रात के 11:30 बज चुके हैं और मेरे को सोना है क्योंकि सुबह से मैंने स्टार्ट किया था जम्मू से 5:15 पर। मैं फाइनली यहाँ पे 6:30 पहुँच गया था मुझसे, उसके बाद फिर होटल ढूंढना और बस ट्रैफिक था घूमते। मेरे साथ एक और ग्रुप था, मेरे साथ आज मैं जम्मू से स्टार्ट किया था मैंने, तो रस्ते में मेरे को जम्मू साइकिलिस्ट करके एक ग्रुप में बाकी साइकिल में मैंने ई मेल किया फिर मुझे अपना रूम दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो टी वी चलाने का मन ही नहीं है मेरा, एक लाइट है साइड में बाथरूम में मेरा बैग रखा हुआ है। बाकी सब बढ़िया है, अभी मेरी 60% जल्दी हो चुकी है, दिल्ली से जम्मू मैंने कर दिया, जम्मू में मैंने अमृतसर कर दिया, अमृतसर से मेरे को अब करना है दिल्ली, तीन चार किलोमीटर है दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, गुड आफ्टरनून। अभी मैं दिलजाना वाले रास्ते में हूँ, सुबह मैं चला था अमृतसर से, मैंने भाई गुरु जी के दर्शन किए थे, गोल्डन टेम्पल पर माथा टेका, अब आराम से चले जाते हैं, दैट्स ऑल इज़ गुड। अभी मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से कम 35 किलोमीटर दूर आपका लुधियाना है, लुधियाना एक बार मैं क्रॉस करूँ क्योंकि लुधियाना थोड़ी बड़ी सिटी है, पॉल्यूटेड है, बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। तो एनी हाउ दिल्ली पहुँचना ही है, दिल्ली पहुँचना ही है। बाकी सब बढ़िया रे। अभी मेरे को बहुत भूख लग रही है तो मैं अपने लिए तीन मौसमी और ये सब लेके आया, ये गाड़ी आ रही हूँ। अभी मैं सर्विस लेन में चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को खाना था। एंड गाइस ऑल गुड, चलिए बाय। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस। अभी मैंने चेक इन किया है, होटल का नाम क्या है, होटल 1000 Spices, ये तो वेस्ट है उसका नाम है, हाँ 1000 Spices का रेस्टोरेंट भी है तो खन्ना गाँव में। सबसे पहले होटल महाराजा करके मैंने देखा था तो 600-700 का मिल रहा था, लेकिन रूम बहुत बेकार थे, टीवी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, गीजर भी नहीं था, नहाने का पंखा पड़ता क्योंकि आप पूरे दिन पर साइकिलिंग करते हो, एटलीस्ट शाम को अच्छे से नहा तो सकते हो अगर गीजर वगैरह सब कुछ होता। बाकी आज की जो जर्नी मेरी रही, माई जर्नी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी। जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी, मैंने 4:30 पे उठ गया था, फिर मैं 5 गया था बाबे के दर्शन के लिए, 5 गया, 6:30-7 तक मैं वापस आ गया था दर्शन करके, गोल्डन टेम्पल में मैंने माथा टेका। गोल्डन टेम्पल से पहले मैं 2016 में आया था जब मेरी पहली ट्रिप थी, दैट इज दिल्ली टू अमृतसर, और फिर मैं तब वो मैंने 1 की थी, बाद में मेरे को गाड़ी में जाना पड़ा था। तो इस तरीके से मैंने इस बार शेड्यूल इसलिए ऐसा बनाया था कि मेरी ट्रिप कंप्लीट हो। जैसे मैंने फिर मैं मणिकरण दिल्ली मैंने कर लिया है, मैंने अभी ये कर लिया है, इसके बाद कोई अच्छा सा ट्रिप प्लान करेंगे। रेस्ट ऑल इज गुड, ये बैग है, सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं ताकि पंखे की हवा से थोड़े बहुत सूख जाए। बाकी अभी मैंने खाना प्रीमियम थाली का ऑर्डर करा है जिसमें दाल राइस रोटी चपाती स्वीट डिश सब कुछ है, बिकॉज इंडिविजुअली ऑर्डर करना बहुत मुश्किल होता है, अगर दाल ही आपके पास पूरी भर के आ जाएगी तो आपसे उतनी भी नहीं खाई जाएगी।
तो बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। लेट्स कम टू द पॉइंट, आज जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने 7:30-8 बजे जम्मू साइक्लिस्ट ग्रुप जो था उनको बाय बाय टाटा बोल के फिर मैं वहाँ से निकला। पहला हूँ, अब मैंने नहा लिया है, आई एम ऑल फ्रेश, आई एम ऑल सेट टू गो, इट्स ऑल गुड। चलिए, बाकी आज बहुत अच्छा दिन रहा, वाहि गुरु जी का खालसा, श्री वाहि गुरु जी की फतेह, जय बाबा फाली बुकी करो, कल से को पार्टी हर हर महादेव। अब हम खाना खाते हैं, तब तक गुड नाइट। आज है 5 नवंबर, आज 5 दिन हो गए मेरे को घर से निकले हुए। मैं 31st की रात को, मतलब 1st की मॉर्निंग 2 बजे निकला था घर से, 1:50 पे। आज मेरे को 5 दिन हो गए घर से निकले, कल 6वें दिन मैं घर पहुँचा इवनिंग में फाइनली। फिर थोड़े बहुत अपने पैंडिंग काम है जो काम निपटाने हैं, माउंटेन का भी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, फिर मेडिकल वर्क के भेजते हैं, काफ़ी छोटे मोटे काम हैं, जल्दी उसको निपटाएंगे, फिर उसके बाद कहीं और का प्लान करते हैं। गुड नाइट, बाय एवरीवन।